कि रूस ने यूक्रेन में मौजूद नेटो के 20% हथियारों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। भयंकर युद्ध के बीच में ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि यूक्रेन को नेटो ने 20 लाख करोड़ के हथियार अब तक दिए हैं, बावजूद इसके यूक्रेन की सेना पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस से बुरी तरह हार रही है। हालात ये हो चले हैं कि कई फ्रंट लाइन पर अब यूक्रेनी सैनिक सरेंडर तक करने को मजबूर होते जा रहे हैं। हफ्ते में यूक्रेन का सरेंडर, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रूस का यह दावा बिल्कुल सही साबित हो रहा है कि नेटो के हथियार अब यूक्रेन के लिए ही काल बन चुके हैं। ज़ेलेंस्की को जब नेटो ने हथियार दिए थे तब से यही दावा किया गया था कि 20 लाख करोड़ के हथियार यूक्रेन सेना को ऐसी जबरदस्त ताकत दे चुके हैं जो पुतिन की सेना महज 15 दिन में घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन देखिए, पिछले 4 महीने से रूस चुन चुन कर नेटो के हथियारों को यूक्रेन की जमीन पर तबाह कर रहा है। अब तो दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट ने यहां तक दावा कर दिया है कि पिछले 2 हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के 20% हथियारों को तबाह करके रख दिया है। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे रूस ने यूक्रेन को मिले हथियारों को तबाह किया है और क्यों नेटो अब यूक्रेन को और ज्यादा घातक हथियार देने से मना कर रहा है। 20% हारा नेटो। दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में तो यूक्रेनी सेना को पिछले 2 हफ्तों में जबरदस्त नुकसान हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि करीब 1000 किलोमीटर की फ्रंट लाइन पर रूस ने 12 गुना हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की सेना रूस की सेना से आमने सामने की जंग के बजाय तोप, टैंक और रॉकेट से हमले ज्यादा कर रही है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेना ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि आमने सामने की जंग में पिछले 10 दिनों में यूक्रेन के 7000 सैनिक मारे जा चुके हैं। इसलिए यूक्रेनी सेना सबसे ज्यादा तोपखाने का इस्तेमाल कर रही है, जबकि नेटो यूक्रेन पर दबाव बना रहा है कि रूसी सेना पर घुसकर हमला करो ताकि रूसी सेना से यूक्रेन के इलाके छीने जा सके। लेकिन जैसे ही यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना से सीधा मुकाबला कर रहे हैं, या तो बहुत बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं या फिर यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 5 दिन में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में चल रही भीषण जंग ने यूक्रेन की कब्र तोड़कर रख दी है। 2 हफ्ते में यूक्रेन का सरेंडर। पुतिन ने पिछले 3 हफ्तों से यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों पर सबसे ज्यादा खौफनाक हमले किए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि रूस की सेना नेटो के हथियारों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। नेटो के लेपर्ड 2 टैंक, चैलेंजर टैंक, हिमास रॉकेट और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को धमाकों के साथ उड़ाया जा रहा है। अब तक यूक्रेन का 45% तोपखाना रूस तबाह कर चुका है, जबकि यूक्रेन को नेटो से मिले 31% हथियार कारखाने में मरम्मत के लिए भेजे जा चुके हैं। इधर पुतिन के हवाई और जमीनी हमलों ने यूक्रेन के टैंकों का कचूमर निकाल कर रख दिया है। रूस के दावों के मुताबिक यूक्रेन के दर्जनों टैंक जोरदार धमाका से उड़ा दिए जा रहे हैं, जिसमें से कई टैंक धमाकों की वजह से पेड़ पर लटक गए और कई जमीन में दफन हो गए। पुतिन का धमाका, पेड़ों पर लटके नेटो टैंक। इस वक्त रूस ने 250 लड़ाकू विमान और 3000 टैंकों से यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में कोहराम मचा रखा है। ओदेसा, खार्किव में यूक्रेन के बंदरगाह से लेकर बस्तियां तक तबाह हो चुकी हैं। पूर्वी दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में रूस ने कुछ इलाकों में 12 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, तो फिर यूक्रेन को मिले नेटो से हथियार क्या कर रहे हैं? क्या नेटो के हथियार रूसी सेना के सामने नाकाम हो रहे हैं? पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में नेटो के हथियारों पर सनसनीखेज दावा किया गया है। जंग के लिए यूक्रेन को नेटो अब तक 20 लाख करोड़ के हथियार दे चुका है। नेटो से करीब 500 टैंक यूक्रेन को मिल चुके हैं, जबकि 2000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन यूक्रेन को नेटो से मिले हैं।
इसके अलावा अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और हिमास रॉकेट भी यूक्रेनी सेना इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नेटो के ये सभी घातक हथियार रूस के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब तक नेटो के 20% हथियार रूस तबाह कर चुका है। नेटो के 20% तबाह हुए हथियारों में अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, हिमास रॉकेट और जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक भी शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका का ब्रैडली बक्सर वन भी रूस ने तबाह कर डाला है। Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидше вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови, лише це надійно гарантувати. पुतिन का धमाका, पेड़ों पर लटके नेटो टैंक। पूर्व से दक्षिण तक पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर रूसी सेनाएं यूक्रेनी सेना पर भारी पड़ती दिख रही हैं। हारते और पीटते यूक्रेन की हालत देखकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे नेटो देश भी यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक को लेकर बेहद नाराज होने लगे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपने युद्ध में नेटो को जानबूझकर इतना ज्यादा फंसा रहा है ताकि नेटो को रूस के खिलाफ सीधा युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़े। रूस ने जिस तरह से यूक्रेन के खार्किव में ट्रिपल अटैक किया है वो हैरान करने वाला है। 1,00,000 सैनिकों के साथ लगभग 1,000 टैंकों से हमला नेटो और यूक्रेन के होश उड़ाने वाले साबित हो रहे हैं। इधर जेलेंस्की ने नेटो पर भड़कते हुए साफ कह दिया है कि अगर 72 घंटे में बिगड़े हालातों को नहीं संभाला गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन रूसी सेना की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई हैं वो हैरान करने वाली हैं। रूस ने लोकेशन तो नहीं बताई है लेकिन दावा किया है कि यूक्रेनी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए तेजी से सरेंडर कर रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर। रूसी सेना ने यह नहीं बताया है कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के किस इलाके में यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है, लेकिन दावा किया गया है कि 200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों ने पिछले 5 दिन में सरेंडर किया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने ज़ापोरिज़्या के ओरिखेव और रोबोटिन इलाके में सरेंडर किया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेनी सैनिक इसलिए भी सरेंडर कर रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। अगर यूक्रेनी सैनिक वापस भागते हैं तो यूक्रेन के सैनिक ही उन्हें मार देंगे। इसीलिए यूक्रेनी सैनिक मरने की बजाय रूस की सेना के सामने सरेंडर करना बेहतर समझ रहे हैं। दो हफ्ते में यूक्रेन का सरेंडर। Запорожском направлении после провала наступления вооруженные силы Украины севернее населенного пункта Работино Запорожской области вооруженными силами Российской Федерации нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности. रूस का यहां तक दावा है कि महज 4 दिन की प्रचंड जंग में ज़ापोरिज़्या की लिमन फ्रंट लाइन पर रूसी सेना ने 12 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। ज़ापोरिज़्या के ओरिखेव और रोबोटिन यूक्रेन पर पिछले 24 घंटे में पुतिन ने 2 तरह के हमले बेहद तेज कर दिए हैं। हम आपको बता दें, रूस की सेना ओदेसा और खार्किव में अलग अलग टारगेट पर हमला कर रही है। पहले खार्किव के बारे में समझ लीजिए। पुतिन की सेना 350 वर्ग किलोमीटर में फैले खार्किव इलाके पर 1,00,000 सैनिक, 555 तोप, 370 एवेलारेस और 900 टैंक से स्टॉर्म जेड हमले शुरू कर दिए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 48 घंटे के अंदर रूस ने खार्किव में 10% इलाके पर कंट्रोल करने का दावा किया है। 20% हारा नेटो। वहीं अगर यूक्रेन के ओदेसा की बात करें तो यहां पर पुतिन यूक्रेन को दाने दाने के लिए मोहताज कर रहे हैं। क्राइमिया पुल पर हुए हमले के बाद से रूस की सेना मिसाइल, रॉकेट और तोपखाने से यूक्रेन के अनाज भंडारों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। रूस के दावों के मुताबिक उनकी सेना ने ओदेसा के गोदाम में भरा हुआ 70,000 टन अनाज तबाह कर डाला है, जबकि ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने 10,00,000 टन अनाज भीषण हमलों में बर्बाद कर दिया है। यहाँ तक कि रूस ने यूक्रेन का 60,000 टन अनाज अपने कब्जे में ले लिया है। Сьогодні я з главою уряду Ірландії. Він був в Україні з візитом. Ірландія один з найбільших
енергійних наших партнерів в Європі. І хоч країна нейтральна, ірландці не залишаються нейтральними до моральних викликів. В умовах такої агресії вони чітко на світлому боці історії і допомагають нам як політично, так і... पूर्व से दक्षिण तक पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर रूसी सेना यूक्रेन सेना पर भारी पड़ती दिख रही है। हारते और पिटते यूक्रेन की हालत देखकर नेटो के 20 फीसदी हथियार रूस तबाह कर चुका है और यूक्रेन के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं, तो फिर ज़ेलेंस्की का यूक्रेन अब आगे क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है।